हेलो दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को और उसके बाद दबाइए इस बेल आइकन को, पाइए चैनल से जुड़े लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स। हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने इसी यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में। दोस्तों आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे असिस्टेंट लोको पायलट और टेक्नीशियन के लिए एग्जाम का जो सिलेबस जो पैटर्न आया है वो कैसे कैसे एग्जाम होगा और क्या सिलेबस रहने वाला है। तो दोस्तों अगर जो आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। अगर जो आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बता देते हैं डिपार्टमेंट एग्जाम कौन करा है। डिपार्टमेंट रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड एग्जाम करा रहा है, ठीक है। पोस्ट जो जो एएलपी लोको पायलट और टेक्नीशियन का, ठीक है। जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है वो 26,502 टोटल वैकेंसी हैं, जिसमें लोको पायलट के 17,673 और टेक्नीशियन के 8,829 पोस्ट हैं, ठीक है। जो एग्जाम का डेट रखा गया वो टेंटेटिव रखा गया, यानी कि एक्सपेक्टेड रखा गया, कन्फर्म नहीं बताया गया, लेकिन बता जरूर दिया गया है अप्रैल से मई के बीच में हो जाएगा, ठीक है। रजिस्ट्रेशन का जो डेट है स्टार्टिंग है वो 3 फरवरी 2018 से आपका फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा। लास्ट डेट जो रखा गया फॉर्म भरने का वो 5 मार्च रखा गया, ठीक है। जॉब लेके लोकेशन जो ऑल ओवर इंडिया, हर रेलवे बोर्ड का अलग अलग होता है, आप रेलवे बोर्ड जाके गूगल पे सर्च करके देख सकते हैं, ठीक है। जो एग्ज़ाम का कैटेगरी है, एग्ज़ाम सिलेबस एंड पैटर्न मैं बता दूंगा, ठीक है। जो प्रोसेस है एग्ज़ाम का मैंने बता दिया, ऑनलाइन होगा, ठीक है। ऑनलाइन टेस्ट होगा फर्स्ट एंड सेकंड स्टेज, मतलब दो पहले ऑनलाइन टेस्ट होगा सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट फर्स्ट स्टेज, उसके बाद आपको दूसरा उसको क्वालिफाई करने के बाद दूसरा टेस्ट देना पड़ेगा, वो भी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा, मतलब प्री और मेन की तरह ही समझ लीजिए, पहला टेस्ट दूसरा टेस्ट, उसके बाद जो भी चीज़ें होती हैं अदर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मेडिकल वो सब चीज़ें होंगी, ठीक है। और ज़्यादा जानकारी के लिए ऑफिशियल वेबसाइट आप indianrailway.gov.in पे जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए और क्या चीज़ें हैं देख लेते हैं। देखिए पहली बार ये माइनस मार्किंग मैं आपको बता देता हूँ, माइनस मार्किंग रखा गया 1/3, मतलब आप अगर जो तीन क्वेश्चन गलत कर दें तो आपका एक नंबर माइनस हो जाएगा, ठीक है। और क्या चीज़ें हैं देख लेते हैं। जो सिलेबस है दोस्तों, जो आपका फर्स्ट स्टेज टेस्ट होगा सीबीटी वाला, उसमें मैथमेटिक्स, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल साइंस, जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स, ये चार चीज़ें आपको जो पहला टेस्ट है वो लोको पायलट एंड टेक्नीशियन दोनों को देना है। टोटल 75 क्वेश्चन आएंगे और 60 मिनट आपको टाइम मिलेगा, एक घंटे में आपको 75 क्वेश्चन करने हैं। सिलेबस मैं एक बार फिर से बता रही हूँ, मैथमेटिक्स, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल साइंस और जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स, इन चार पोर्शन से आपको 75 क्वेश्चन आएंगे और 60 मिनट आपको टाइम मिलेगा। अगर जो आप ये क्वालिफाई कर लेते हैं तो उसके बाद आपको पार्ट टू के लिए बुलाया जाएगा, यानी कि सेकेंड पार्ट के लिए सीबीटी, ठीक है। इसमें भी आपका मैथमेटिक्स रहेगा, ठीक है, मैथमेटिक्स रहेगा जैसे पार्ट वन में था, मैथमेटिक्स रहेगा, इसमें भी जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग इसमें भी रहेगा और जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स इसमें भी रहेगा, लेकिन एक चीज़ यहाँ पे आपका बढ़ जा रहा है, बेसिक साइंस जनरल साइंस, जो साइंस होता है वो तो रहेगा ही, लेकिन आपका जो टेक्निकल सब्जेक्ट होता है, जैसे आपने डिप्लोमा किया मैकेनिकल से तो मैकेनिकल का क्वेश्चन आएगा, इलेक्ट्रिकल से किया इलेक्ट्रिकल का क्वेश्चन आएगा, और टेक्निकल से जो भी डिग्री से आपने कोर्स किया वो आएगा, वो लोको पायलट के लिए, ठीक है। और इसमें जो होंगे, पहले आपने देखा 75 क्वेश्चन थे फर्स्ट सीबीटी टेस्ट में, उसमें 60 मिनट मिलते थे, लेकिन यहाँ पे 100 क्वेश्चन आपको मिलेंगे और टोटल टाइम जो मिलेगा 90 मिनट, यानी कि 1.5 घंटे, ये सेकंड स्टेज के लिए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो सिलेबस आपको मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, जो सिलेबस रहने वाला है टोटल सिलेबस मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। आपको मैंने बता दिया फर्स्ट पार्ट में कौन कौन से रहेंगे, सेकेंड पार्ट में कौन कौन रहेंगे, टोटल सिलेबस मैं बताता हूँ, अर्थमेटिक, मैथमेटिक्स और रीजनिंग, जनरल साइंस, टेक्निकल एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस। फर्स्ट पार्ट में आपको फर्स्ट सीबीटी जो फर्स्ट स्टेज एग्जाम होगा उसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, अर्थमेटिक पढ़ना है, अंक मैथमेटिक्स पढ़ना है, रीजनिंग पढ़ना है, जनरल साइंस पढ़ना है, जनरल अवेयरनेस और टेक्निकल जनरल इंटेलिजेंस, और सेकंड पार्ट के लिए आपका टेक्निकल एबिलिटी आपको पढ़ना अनिवार्य है, ठीक है। अब देखते हैं क्या क्या टोटल सिलेबस मैं आपको बता देता हूँ। तो अर्थमेटिक के लिए आपका जो सिलेबस है, डाटा इंटरप्रेशन, परसेंटेज, मेंसुरेशन 2D एंड 3D, टाइम एंड डिस्टेंस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, अल्जेब्रा, प्रॉफिट एंड लॉस, एवरेज, SCF एंड LCM जिसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड लोएस्ट कॉमन फैक्टर बोलते हैं, यूनिटरी मेथड, सिंप्लीफिकेशन और आपका लास्ट में रेशियो प्रोपोर्शन, डेसिमल फ्रैक्शन एंड नंबर सिस्टम, ये आपका अर्थमेटिक का प्रोसेस खत्म हो गया। अब आते हैं रीजनिंग पे, रीजनिंग में देख लेते हैं, वर्बल में आपका आएगा कौन कौन सा, नंबर रैंकिंग, नंबर सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, एनालॉजी, टेस्ट ऑफ डायरेक्शन सेंस, डिसीजन मेकिंग, ब्लड रिलेशन, अल्फाबेट सीरीज, ए प्रॉब्लम ऑन एज कैलकुलेशन,
अर्थमेटिकल रीजनिंग, इतने से क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, नॉन वर्बल में देख लेते हैं। नॉन वर्बल में दोस्तों इमेज फिगर, नॉन वर्बल सीरीज, ग्रुपिंग आइडेंटिकल फिगर, मिरर इमेज और क्यूब्स एंड डाइस से आपके क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, अब जनरल साइंस की बात करें, जनरल साइंस में आपको पता ही है केमिस्ट्री आता है, फिजिक्स आता है, बायोलॉजी आता है और कुछ आपको इसमें थोड़ी बहुत एनवायरमेंटल स्टडीज भी पढ़नी जरूरी है। ठीक है, अब आते हैं RRB ALP सिलेबस 2018। ये मैं आपका ALP का बता देता हूँ। ठीक है, अर्थमेटिकल फिगर एंड पिक्चर, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनोलॉजी, डिसीजन मेकिंग, डिफरेंस, सिमिलरिटीज, अर्थमेटिकल रीजनिंग, स्पेस विजुअलाइजेशन, एनालिसिस, ये भी आपका रीजनिंग का ही एक पार्ट है। ठीक है, रीजनिंग का ही पार्ट है, जनरल इंटेलिजेंस में आता है, जिसे जनरल इंटेलिजेंस में लाते हैं। ठीक है, वर्बल एंड फिगर कलर क्लासिफिकेशन, एनालिसिस, जजमेंट, डिस्क्रिमिनेशन, रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट, ऑब्जर्वेशन, विजुअल मेमोरी। ठीक है, ये भी रीजनिंग का ही पार्ट है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अब जनरल अवेयरनेस में क्या क्या टॉपिक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है रेलवे के लिए, इंपॉर्टेंट डेज आपको पढ़ना है, कौन कौन से दिन, कौन कौन से स्पोर्ट्स, ऑब्जर्वेशन, करंट अफेयर्स, नेशनल एंड इंटरनेशनल बोथ, इंटरनेशनल एंड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन, संस्थाओं के बारे में पढ़ना है, मेजर फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक, साइंस पढ़ना है, इन्वेंशन एंड डिस्कवरीज, खोज और जो चीज़ें होती हैं। ठीक है, बजट पढ़ना है एंड 5 ईयर प्लान, बजट आपका जो भी आया है उसके और लास्ट 5 ईयर्स का प्लान क्या रहने वाला है इसको आपको पढ़ना जरूरी है। ठीक है, अवार्ड्स एंड ऑनर्स, जो भी अवार्ड्स मिले हैं, बजट एंड 5 ईयर्स प्लान, इसको भी पढ़ना है, बुक्स एंड ऑथर, बुक्स उन राइटर्स के बारे में उनके पढ़ना अनिवार्य है। ठीक है, अब सेकंड स्टेज में टेक्निकल जो होता है, टेक्निकल की भी मैं चीज़ें बता रहा हूँ। सबसे पहले मैं मैकेनिकल के भी बता रहा हूँ, मैकेनिकल के लिए क्या रहने वाला है। ठीक है, मैकेनिकल के लिए आपको रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनर, डायमेंशंस, मेटल हैंडलिंग, मेटल हैंडलिंग होता है। ठीक है, हीट, मेटलर्जिकल, इंजन, द स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल यानी कि सॉम बोलते हैं, थर्मोडायनेमिक्स, काइनेटिक थ्योरी, एनर्जी मटेरियल, ऑटोमेशन इंजीनियरिंग, एनर्जी कंजर्वेशन, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, टर्बो मशीनरी, अप्लाइड मैकेनिक्स। यहाँ से आपको मैकेनिकल अगर जो आप हैं तो आपको इतने चीज़ें पढ़ना अनिवार्य है टेक्निकल के लिए। ठीक है, अब इलेक्ट्रिकल के लिए बता देता है, इलेक्ट्रिकल के आपको मोटर्स, इलेक्ट्रिकल इंडिया एंड अल्टरनेटिव सिस्टम ऑफ सिंगल फेज मोटर, रोल्स एंड केबल्स, प्रूव टू बी फंडामेंटल इलेक्ट्रिकल सिस्टम, ट्रांसफार्मर सही है। ठीक है, लाइट एंड मैग्नेटिज्म, थ्री फेज मोटर सिस्टम, ये इलेक्ट्रिकल के लिए हो गया। अब आते हैं ऑटोमोबाइल। ठीक, ऑटोमोबाइल के लिए आपको मेटलर्जिकल प्रोडक्शन सिस्टम, मशीन डिजाइन, पावर प्लांट, टर्बाइन एंड बॉयलर्स, सिस्टम थ्योरी, मटेरियल्स अप्लाइंग मोशन, IC इंजन, थर्मोडाइनमिक्स, हीट ट्रांसफर, मटेरियल्स अप्लाइंग मोशन, ये चीज़ें आपको ऑटोमोबाइल के लिए आप पढ़ते। अब आते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन पे, यहाँ पे देख लेते हैं कंप्यूटर एंड माइक्रो प्रोसेसर, द ट्रांजिस्टर, रोबोटिक रेडियो कम्युनिकेशन सिस्टम एंड सैटेलाइट मैटर्स, डाइस, सेमीकंडक्टर फिजिक्स, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक ट्यूब, नेटवर्किंग एंड इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक, ये आपके इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन का पार्ट है। ठीक है, तो ये था दोस्तों कंप्लीट सिलेबस और क्या क्या चीज़ें, कैसे कैसे एग्जाम्स आएंगे, कैसे कैसे पेपर होंगे, क्या क्या चीज़ें आपको कैसे कैसे देना है। ठीक है, तो टोटल आपको मैंने बता दिया है और जो भी लोकोपाल से रिलेटेड वीडियो रहेंगी मैं आपको बताता रहूँगा। तो दोस्तों अगर जो वीडियो आपको पसंद आए तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।